अरे बहुत मानता है आपने को। बोला गन्या कभी प्रॉब्लम हो तो इधर आने का, मनुष्य सीट बैठे लाए। ए, इधर झड़ती नहीं होती बोला क्या आपने? सेठ को बोलने का गन्या आए लाए, चल नया है ना, पहचान रहा नहीं, इधर सब पोटे लोग पहचानते आपने को, बहुत इज्जत है बोला आपने इधर। चल 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 रे, तेरी चाल है। ए गनिया आजा आजा, कैसा है रे? मस्त है सेठ। और कैसे आना हुआ? ये अपना दोस्त है ना लल्लन, इस काम मुलुक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, दो पेटी का जरूरत है, पैसा वापिस मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता ना इसकी। अरे गनिया काय को इतना बोलता है, काम क्या करता रे तू? हम बेलबॉस सिक्योरिटी में सीनियर गार्ड हैं, सर्विस 4 साल की हो गई है, जल्द ही प्रमोशन पाके हम सुपरवाइजर बनने वाले हैं, हम अपनी हर महीने की सैलरी में से 1,000 रुपए आपको कटा सकते हैं, हम अपनी एजेंसी से आपको लेटर भी दिला सकते हैं, और अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं। अरे अरे इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ गया मैं तेरे को। ए एमएनडी किसका है रे? अच्छा आदमी को पहचानता है मैं, तभी तो इतने साल से धंधा कर रहा है मैं। वैसे तेरा केस थोड़ा अलग है, ये लेके आया ना तो बस हो गया। हाँ कितना बोला? 2 पेटी ना? जी जी जी। तो लेके जाना। ए कृष्णा मोर करा, 2 पेटी कर ला। गणेश मान गए। अरे हाँ लेकिन लेके कैसे जाएगा, कोई थैला वेला लाया क्या? नहीं थैला तो नहीं लाया, हम लेके जाएंगे। नहीं खीसे में ले जाता ना सेठ। हाँ जी। अरे खीसे में कैसे लेके जाएगा, तेरे को मालूम नहीं शहर के बारे में क्या? इधर 1,000 रुपए के पीछे आदमी का कत्ल हो जाता है। नहीं नहीं सेठ, खीसे में रहेंगे तो किसी के नजर नहीं आएंगे, बाहर जाते ऑटो रिक्शे की डिक्की में डाल देंगे ना। जी जी। क्या रे तेरा इलेक्शन का कार्ड बना क्या, वोट डालता है क्या? हाँ सेठ। 2 पेटी क्या होता है मालूम तेरे को? नहीं जिसमें कुवत बयान की, तेरे जैसा किसी को मिला के खड़ा कर दिया, 2 पेटी मांगता है। रही जिसमें लुकने जबान की, अपन 2 पेटी तेरे को ऐसे ही दे देगा? सेठ बहुत ईमानदार आदमी। ए अपन ईमानदार आदमी को पैसा नहीं देता है, हैसियत वाले को पैसा देता है। ए बस चल चल कम हो जाए इधर से। म्युनिसिपैलिटी के गटर में गिरकर मर जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी कोमल से शादी करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे है ना? तो फिर शर्माने का क्या, तुम जैसे हीरे के लिए 2 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। खा लड्डू का हंसा बहन आप। खबरदार मेरे को बेन मत बुला, पहली बार हंसा बेन ने लाइफ में आदमी पहचानने में गलती की है। ऊपर से तो तू हंस जैसा दिखता है लेकिन अंदर से एकदम कौवा जैसा है, कौवा। खबरदार मत समझा मेरे को, कुछ मत समझा, मैं सब समझ गई। ये तेरे सरोजा के घर वालों ने तेरा 2 लाख का डिमांड मना किया होगा ना, इससे 2 मिलाकर तू मेरे पास आ गया। उठ जा यहाँ से और तेरे पैरों पे यहाँ से चले जा, वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा। उठ जा बोला ना, उठ। अरे मैं उसकी मासी नहीं हूँ, माँ हूँ माँ। अरे इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन दहेज के लोभी के हाथ में उसका हाथ कभी ना दूं। जा इधर से जा और अपना मुंह हंसा बेन को कभी मत दिखा, जा हरामखोर। तू रहीम है, पैसे का बंदोबस्त हो या ना हो, सरोजा की शादी किशन से हो या ना हो, आपकी कसम खाई है हमने, आपकी महिमा दांव पर लगी हुई है। तू रहीम है। ललन खुद को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? अरे जब जब जो होना है तब तब सो होता है, तुलसीदास जी ने कहा है कि यार तुम तुलसीदास जी कह के और लिख के चले गए, आज के युग में 4 दिन जी लेते तो खुद का लिखा हुआ सब रिजेक्ट कर देते बात। अरे भाई लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना। Let's go!
बाला मार्केट में दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की। उन्होंने रिवॉल्वर से फायर भी किया, मगर वेल वॉच सिक्योरिटी के दो जवानों ने अपनी जान पर खेल कर उनका मुकाबला किया और उस दुकान को लूटने से बचाया। और उनकी इस बहादुरी के लिए लोखंडवाला व्यापारी मंडल उन्हें सम्मानित कर रहा है। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय पुलिस कमिश्नर श्री टी के चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज दो शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में मैं इन दोनों शेरों को सबसे पहले स्टेज पर बनाना चाहूंगा। आइए। सर, सर, आप लोगों ने एक सुरक्षाकर्मी की सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है, बल्कि आपका मन और आपकी आत्मा इस काम से जुड़ी हुई है, तभी आपसे ये बहादुरी का काम हुआ है। हमारे व्यापारी मंडल ने इन बहादुर जवानों के लिए 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देना निश्चित किया है। वेल वॉच कंपनी के सीनियर श्री तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा ये पुरस्कार प्लीज ग्रहण करें। चाचा, आपने अश्कों के कतरों में वो चमक। सर, आपने बैठो। मेहनत के पसीने में वो महक है। ये लो 1,00,000 रुपए तुम्हारे व्यापारी मंडल से मिले। लेकिन सर, इस घटना में तो हमारे साथ और भी लोग हैं। उन सब जवानों का हिस्सा है, लेकिन उन सब ने अपने हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि उन सबको तुम्हारी और सरोजा की कहानी पता है। उन सब ने तुम्हारी मदद की है। रास्ते के कांटों में वो लचक है। लल्ला जी, आपसे कोई मैडम मिलने आई है, ऑफिस में बैठी है। मैडम मात्र साहेब, तुम्हें सांगा मला हा सोसायटी ला माझा कोई भी क्लायंट चा त्रास है, है? अरे मला धंदा पेक्षा नाव ची फिकर आई ने, बरोबर के नहीं? बरोबर। अरे हंसा बहन, अरे आओ आओ ललन, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कहिए कैसे? अरे ललन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू अपने दिमाग में से फ्लैशबैक को निकाल ले बाबा। वो क्या है, पीछे हमारा एक सीन गया था, एकदम टेंशन वाला, इसके लिए। बरोबर बरोबर। ललन, मेरा है ना बीसी का पैसा छुट्टा हुआ, 35,000। वैसे तो ये पैसे गांव के पुराने मंदिर में लगाने, मगर उमाकांत से तुम्हारी स्टोरी का पता चला तो लगा मंदिर में कलर करवाने से तुम्हारी मदद करना ज्यादा बड़ा काम है। तुम कद से छोटा है, आदमी बहुत ऊंचा है। रख ले, रख ले ये पैसा, रख ले। हमारे गुजरात में कहावत है, जिसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं उसको किनारे तो साथ देते हैं। फिर पूरे उनके हर ख्वाब कर दे। भैया गनिया किधर है? गनिया होटल में। अच्छा, कहाँ पे रहे तुम? ए लंदन, अभी मैं तेरे कुछ मिलने को आने वाला था, आजा। ए, ये कटिंग और ला रहे भाई। यार गणेश, चमत्कार हो गया दोस्त। कैसे? 1,50,000 का तो इंतजाम हो गया और अब लगता है मंजिल मिल जाएगी। कितने दिन बाकी है अभी शादी में? 5 दिन बाकी है। और पैसा कितना शार्प पड़ रहा तेरे को? कितना पैसा चाहिए? और 50,000। ये ले, पूरा है। गणेशी पैसे? अरे डाका नहीं डाला, रिक्शा भेज दिया मैंने, कुछ दिन भाड़े पे चलाऊंगा। मराठा माणूस आहे मी, दोस्तासाठी मुंडी कापीन, पैशाचं काय घेऊन बसला? अब रात को गाड़ी पकड़ा और गांव चला जा, अभी तो भागा दौड़ी खत्म हो गई कि नहीं बाबा तेरी?
अन रात को खाने पे घर पे आ जा। बुड्ढी ने तेरे पसंद की बाजरे की भाकरी अन झुमका बना बस तिखा। ए और चाय लाना रे। अरे अनंत हरी कथा अनंता, सरोजा की शादी करा के जल्दी से वापस लौटो। हम तुम्हारे लिए यहाँ लड़की फाइनल करके रखते हैं, लौटते ही फेरे लेने हैं तुम्हें। चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में एक घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर। भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया।